नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आईबीएन भारत। यूं तो भारत की आज़ादी की लड़ाई में करोड़ों हिंदुस्तानियों ने भाग लिया, लेकिन उनमें कुछ ऐसे सपूत भी थे जो इस आज़ादी की लड़ाई के प्रतीक बनकर उभरे और राष्ट्र धर्म के खातिर क्रांति की पहली गोली चलाने वाले को भले ही तोपों से उड़ा दिया गया, लेकिन जो चिंगारी उन्होंने लगाई उस आग में तपकर निकले स्वाधीनता सेनानियों ने अपने अहिंसक आंदोलन से अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज़ादी की महागाथा में उन युवा महानायकों को भी याद रखा जाएगा जिन्होंने बहरे कानों को सुनने के लिए धमाके किए तो किसी ने देश के खातिर शहीद होना लाजमी समझा। खून के बदले आज़ादी के नारों के साथ सेना का गठन कर शक्तिशाली बरतानवी साम्राज्य को चुनौती देने का साहस करने वाले वीरों और भारत को खंडित होने से बचाने वाले फौलादी इरादों से ही इस स्वतंत्र भारत की नींव पड़ी है। आइए दिखाते हैं आपको आज़ादी के इन मतवालों पर एक रिपोर्ट। मंगल पांडे। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट में सिपाही रहे, जहां गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद किया था। रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरंगना के रूप में जानी जाती हैं। अंग्रेजों की भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति के विरोध स्वरूप उन्होंने हुंकार भरी, अपनी झांसी नहीं दूंगी, और अपनी पीठ के पीछे दामोदर राव को कसकर घोड़े पर सवार हो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का उद्घोष किया। महात्मा गांधी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महात्मा गांधी के पूर्व भी शांति और अहिंसा के बारे में लोग जानते थे, परंतु उन्होंने जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति और अहिंसा के रास्तों पर चलते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसका कोई दूसरा उदाहरण विश्व के इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। भगत सिंह। नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, जिनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उग्र हो जाएगी, लेकिन जब तक वह जिंदा रहेंगे ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनने के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सेनापति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद 14 वर्ष की आयु में बनारस गए और वहाँ एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। वहाँ उन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान दिया था। 1920-21 के वर्ष में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। वे गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जहां उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को उनका निवास बताया। उन्होंने आज़ाद जीवन जिया और बंदी जीवन के बजाय उन्होंने आज़ाद मौत चुनी। तो ये थे कुछ वीर सपूत जो आज़ादी की लड़ाई के प्रतीक बनकर उभरे और राष्ट्र धर्म के खातिर अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा ऐसे ही कुछ जानकारी जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। तब तक के लिए नमस्कार।